हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ और आज रिव्यू करने वाली हूँ मैं ये गार्नियर का ब्लैक सीरम फेस मास्क का। आउटर पैकेजिंग आप देख लीजिए, इस तरह की ये कुछ आउटर पैकेजिंग में आता है। ये चारकोल फेस मास्क है और इसमें लिखा हुआ है प्यूरिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग पोर टाइटनिंग टिश्यू मास्क है। इसमें ब्लैक एल्गे LHA और हाइलोरोनिक एसिड है और ए वन मास्क इज इक्वल 1 वीक ऑफ सीरम इसमें मेंशन किया गया है। मतलब कि आप एक वीक में जितना सीरम आप यूज़ करते हो वो एक शीट में आता है इसमें। और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। 28 ग्राम इसमें प्रोडक्ट आता है और जैसे कि इसमें मेंशन है कि ये 100 रुपये का एक शीट मास्क है। तो आप अभी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा सेल चल रही है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नाइका, सभी जगह सेल चल रही है। तो ये बताएं, बहुत सस्ते में भी आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कम में भी मिल जाएगा। वैसे तो मैंने डीमार्ट से खरीदा था तो मुझे शायद ये 70 रुपये का मिला है। और वैसे तो कभी कभी ऑफर में आता है तो बाय वन गेट वन में भी मिल जाता है और शायद बाय वन गेट टू में भी मिल जाता है। ये आजकल इस तरह के शीट मास्क मार्केट में अलग अलग ब्रांड के बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप बहुत तरीके के शीट मास्क, एलोवेरा, हनी, राइस वाटर, बहुत तरह के शीट मास्क आते हैं। सब लोग अपने अपनी स्किन के हिसाब से उसे खरीदते हैं और ये शीट मास्क काफ़ी अच्छे भी होते हैं। जो हम पार्लर में 1000 रुपये खर्च करके ग्लो पाते हैं वो हम 100 रुपये में आराम से एक शीट मास्क से पा सकते हैं। काफ़ी अच्छे होते हैं और ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। ये आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये पार्लर जाने टाइम नहीं तो हम अपने चेहरे को कैसे चमकाएं। तो ये सबसे अच्छा है, आप इसको खरीदो और अपने फेस में लगाओ, अपने सारे काम भी कर, आपके काम भी नहीं रुकते हैं और ये आपके फेस में लगा रहता है। और फेस में लगाने के बाद आप इसे रिमूव कर दीजिए और बस 15 मिनट इसे आपको अपने फेस में लगाना है, रिमूव कर देना है और एक्सेस सीरम उससे अपने फेस की मसाज कर लेनी है। बस इतना सा करना है इसमें और आपको एक अच्छा खासा ग्लो मिल जाता है, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, पोर्स टाइट हो जाते हैं जिस तरीके से मेंशन है। और ये सारे काम करते हैं क्योंकि मैंने ये शीट मास्क काफ़ी बार यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देता है ये। और जैसे कि दो चीज़ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आती है कि शीट मास्क हम अपने मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो मेकअप से पहले भी। बस आपको इसे यूज़ करने के बाद आप जो भी अपने फेस में अप्लाई करने वाले हो या फाउंडेशन है, कंसीलर, जो भी आपको मेकअप अप्लाई करना है आप कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि ये कितनी एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, तो 18+ से लेके कितने भी एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप 1 वीक में एक बार यूज़ करोगे तो भी आपको अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देगा और आपको डेली करना है तो डेली भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ और इसकी इनर पैकेजिंग भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये आप अंदर देख सकते हो, देखिए इस तरह का ये कुछ आता है। इसके अंदर बिल्कुल लबालब सीरम भरा हुआ है, देखिए कितना मतलब टपक रहा है, देखिए कितना ज़्यादा सीरम है इसमें। देखिए कि आपको देखिए दिख रहा है, टपक रहा है, इतना ज़्यादा सीरम इसके अंदर आता है। इसमें इतना ज़्यादा सीरम है कि इसको ना खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा सीरम है इसमें। ये देखिए पूरा इस तरह से ये खुल जाता है, एक मास्क की तरह ये होता है और आपको इसी तरह से अपने फेस में इसे अप्लाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप अपने फेस में इसे अच्छे से लगा लेना है सब जगह बिल्कुल। इस तरह से आपको लगा लेना है और 15 मिनट तक इसे लगे रहने देना है। तो 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो, देखिए कितना ज़्यादा सीरम मेरे फेस पे लगा हुआ है और अभी भी इसमें बहुत सारा सीरम है। तो जितना ये एक्स्ट्रा सीरम है इसमें आप मसाज कर लीजिए अपने फेस की, इस तरह से आपको मसाज कर लेनी है पूरी, और ताकि पूरा जितना भी सीरम एक्स्ट्रा है वो पूरा हमारी जो स्किन है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल होती है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, शीट मास्क इसीलिए होते ताकि स्किन हाइड्रेट होती रहे। तो
इसलिए आपको इसे वीक में एक बार जरूर अप्लाई करना चाहिए। स्किन में डलनेस नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए ये मास्क होते हैं और स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, पोर्स टाइट हो जाते हैं। और इसको लगाने के बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग समझ में आ रही है, ग्लो दिख रहा है बहुत ज़्यादा और हाइड्रेट भी हो गई है। और इसे अगर आप कंटिन्यू हर सप्ताह एक मास्क लगाओगे तो आपकी पोर्स भी टाइट होंगे और अंदर से ये डीप क्लीन कर देती है, नरिश भी कर दिया है स्किन को, स्मूथ हो जाती है बहुत ज़्यादा और दिखने भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप देख पा रहे हो कि मेरी स्किन कितनी कितनी ज़्यादा पहले से और अब में, जब मैंने इसे अप्लाई नहीं किया था तब में और अब में ना कितना फ़र्क दिख रहा है मुझे भी। काफ़ी सीरम इसके अंदर भी बचा हुआ है तो उसे आप एज अ नाइट क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे इनिसफ्री का फुट मास्क का भी रिव्यू किया है और मीराबेले का मैंने पपाया मास्क का भी रिव्यू किया हुआ है। इन दोनों वीडियोज़ की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हो। वो दोनों भी मास्क बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिस तरह से हम अपने फेस की केयर करते हैं उस तरह से हमें अपने पैरों की भी केयर करनी चाहिए, तो फुट मास्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखा करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो इसी तरह से मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर।